इसमें क्या चेतना आएगी, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। और आकर के भगवान के सम्मुख बैठ जाती है, कथा प्रारंभ होती है। भगवान श्री राधा रानी नारायण का स्मरण करके कथा प्रारंभ करते हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय। कथा प्रारंभ हुई, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जन्म की कथा आते आते उस अंडे में जान आ गई। और एकादश स्कंध पहुंचते पहुंचते वह एक सुख पक्षी तोता निकल करके और भगवती के भांति बोलना सीख गया। तोता बोलना बहुत जल्दी सीखता है, तोता बहुत एक्सपर्ट होते हैं कॉपी करने में। तोता बिल्कुल हमारे और आपके जैसे बोलते हैं, सब लोग ने देखा, सभी जानते हैं। एक सेठ जी थे, अपनी दुकान पे तोता का पिंजरा ला करके लगा लिए, उसको सिखा दिए राम राम कहना। अब जो कोई दुकान में आए तो वो कहे राम 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 राम। समय बीतता गया, एक व्यक्ति सेठ जी के दुकान से रोज आता जाता था, तो किसी ने पूछा कि यह कौन है, तो सेठ जी कहे मूर्ख, तोता सीख गया। जैसे उस व्यक्ति को निकलते देखे तैसे बोले मूर्ख मूर्ख मूर्ख। कई दिन बीत गया तो आकर के सेठ जी से शिकायत कर दी कि ये आपका तोता हमको मूर्ख बोलता है। सेठ जी ने डांट दिया कि आगे से नहीं कहना। दूसरे दिन जब फिर निकला तो पुनः बोला मूर्ख, पुनः आकर के शिकायत की। और जब आकर शिकायत किया तो सेठ जी तोते को निकाल कर और बाल्टी के पानी में डुबो के खूब गोता लगा। बोले फिर कहेगा? बोला नहीं कहूंगा, बोलने में तो एक्सपर्ट है ये। जब वह व्यक्ति दूसरे दिन फिर निकला तो चुपचाप बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। अब वो बार बार मुड़ करके और देखता है तोते को, तो जब थोड़ा आगे निकल गया तो तोते को जैसे देखा तोता घूम कर देखता, बोला अब तो समझ ही गए होंगे क्या कहने वाला। यानी कि कॉपी करने में एक्सपर्ट हैं, प्रभु की बड़ी कृपा है। तो ऐसे ही भगवती की तरह हुकारी भरना पूरी तरह से सीख गया और माता जी को नींद आई और वे हूं हूं की आवाज लगाना शुरू कर दिया। भगवान शिव की कथा पूर्ण हुई। जैसे भगवान बोले बोल बाल कृष्ण लाल की जय, माता की नींद खुली। बोले कथा होगी? हाँ होगी, कहां सुनी? बोले अरे हमने तो कथा ही नहीं सुना, दो दिन से हम तो सो रहे हैं। बोले फिर ये तीसरा व्यक्ति कौन है जिसने कथा को श्रवण कर लिया, वह भी मेरी कथा को चोरी से श्रवण कर लिया। यह भी लेकर है भागवत कथा को पीछे से और अगल बगल से नहीं सुनना चाहिए, सामने से सुनना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कथा पास में हो रही है, आपके गांव में ही हो रही है, यदि आप उसके दरवाजे जाकर के नहीं जाते कथा सुनने, तो समझ लीजिए वृक्ष की योनि में उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि वृक्ष की एक ऐसी योनि है, यदि स्वयं नारायण आकर के खड़े हो जाए तो वह वृक्ष वहां से चल करके नारायण को प्रणाम नहीं कर सकता। इसीलिए कहीं भी कथा हो, यदि आपके पास होती है तो समय निकाल करके अवश्य जाइए कथा में। चाहे समय ना हो आपके पास तो मत्था टेक कर वहां से चले आइए, लेकिन जरूर हाजिरी लगाइए गोविंद के दरबार में। भगवान कहते हैं इसने मेरी कथा को चोरी से सुनी है, इसको नहीं छोड़ेंगे। और अपना त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़ते हैं उस तोते के पीछे और वह सुख पक्षी भागता भागता दौड़ता हुआ उसका पीछा करते आ रहे। भगवान भोलेनाथ पशुपास्त्र को लिए हुए दौड़े हैं और वह पक्षी भागता भागता हुआ आकर के हिमालय तलहटी, एक आश्रम था, बड़ा सुंदर आश्रम, श्री वेद व्यास जी का आश्रम था। उनकी पत्नी घर में स्नान करके श्रृंगार कर बैठी थी, उनका नाम आरुणी देवी, व्यास जी की पत्नी का नाम आरुणी देवी है। वह स्नान श्रृंगार आदि करके बैठी थी कि बड़ी जोर से उनको उबासी आई, जमुआई आई, और जमुआई आते ही वह सुख पक्षी उनके मुख में प्रवेश कर उधर में पहुंच गया।
इसीलिए कभी भी जमुआई आए तो सामने हाथों को लगा लेना चाहिए, हरिओम या राम राम या श्री राधे, किसी न किसी नारायण के नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जब वह तोता उदर में पहुंच गया तो भगवान से दरवाजे पे खड़े हैं, अभी निकलेगा, अभी निकलेगा, अभी नहीं थोड़ी देर बाद निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन तोता जब घर में हो तब ना निकले तो पेट में पहुंच गया, कहां से निकलेगा। इतने में सायंकालीन संध्या वंदन करके वेदव्यास जी आश्रम को लौट रहे थे, देखा कि दरवाजे पे स्वयं महादेव त्रिशूल लिए विराजमान है, स्वयं जटाधिपति नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, स्वयं महेश्वराज विराजमान है, जिनका दर्शन पाने के लिए बार बार अथक प्रयास करना पड़ता है, वह आज स्वयं मेरे आश्रम में आए हैं। बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के आते भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम, भगवान शिव ही प्रणाम करते हैं वेद व्यास, क्योंकि नारायण के अवतार व्यास, क्योंकि हरि के भक्त हर और हर के भक्त हरि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पे व्यक्ति निर्भर है। वेद व्यास जी कहते हैं हाँ कितना आनंद आ रहा है, आज स्वयं महादेव मेरे कुटिया में पधारे हैं, आइए जल पान हो जाए, आपका वंदना हो जाए, आपकी पूजा अर्चना हो जाए। महादेव कहते हैं कि मैं यहाँ आपका जल पान करने के लिए नहीं आया हूँ, आवाभगत करने के लिए नहीं आया हूँ। एक व्यक्ति इतना बड़ा हमारे यहाँ से चोरी करके भागा है कि उसका मैं बयान नहीं कर सकता, ऐसी वस्तु को चुरा करके भागा। बोले अरे महाराज आपके यहाँ से वस्तु कौन क्या चुराएगा। बोले आपके गले में क्या है। बोले सर्प है, भुजंग विराजमान। बोले यदि सोने का सर्प होता तो चुरा के नहीं भी आता, ही ओरिजिनल सर्प को कहां चुराए काट खाएंगे। बोले आपका सवारी क्या। बोले बैल। बोले क्या करेगा बेचारा, पहाड़ में जुताई करेगा एक बैल लेकर।